आज हम आपको न्याय के देवता शनि देव के बारे में जानकारी देंगे। इन्हें न केवल न्याय के देवता के रूप में बल्कि दंडाधिकारी के रूप में, न्यायाधीश के रूप में और न्याय करने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। ये यानी कि शनि महाराज, ये वो देव है जिनके नाम से कम भारत के लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं उनमें एक भय, एक डर उत्पन्न हो जाता है इनके नाम मात्र से। आखिर क्यों, ये कौन है? वैसे आप सब जानते हैं कि ये सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र है, परंतु कोई भी पौराणिक कथा गाथा रही होगी और शनि देव अपने पिता सूर्य के घोर शत्रु हो गए। इतना होते हुए भी हम जो इस मृत्यु लोक पर है, इस कलि युग में अपना जीवन जी रहे हैं, हम लोगों के लिए ये अच्छों के लिए बहुत अच्छे और बुरों के लिए बड़े ही खतरनाक देव है। इनसे तो बाकी ब्रह्मांड के सारे देवता भी घबराते हैं। शनि देव का रंग काला है और इनको वो व्यक्ति पसंद है जो न्याय पर चलते हैं, अन्याय नहीं करते हैं, जो ईमानदारी पर चलते हैं, जो अपनी सच्चाई पर चलते हैं, ऐसे लोग इन्हें पसंद है। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जिन पर ये प्रसन्न हो जाते हैं वो व्यक्ति विद्या के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, नौकरी पैसे के क्षेत्र में हो या अन्य किसी क्षेत्र में हो, उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। उसकी कल्पनाओं के बाहर इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति दुराचारी होते हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं, न्याय संगत काम नहीं करते हैं, चोरी अन्यायी करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनके लिए साक्षात काल का रूप शनि देव होता है। देखिए, बुरा ना माने तो मैं एक बात आपसे अवश्य शेयर करना चाहूंगा कि आप इन दिनों में देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से कि
कि सोमवार की आप जिस में हो, चाहे शनि सिग्नापुर हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे किसी अदर स्टेट की किसी सिटी या गांव में हो, शाम के वक्त शनि महाराज के मंदिर पर एक कतार लगी रहती है भक्तों की, और शनि महाराज को वो तेल चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं। भाई ऐसा क्यों? क्यों कि सबको इन न्यायाधीश से, इन दंडाधिकारी से भयंकर डर लगता है, और किसी न किसी रूप में वो अपनी अंतर आत्मा में झांक कर देखते हैं कि मुझसे कोई न कोई अधर्म का काम हो चुका है, और यही वजह है मेरे रोग की है, यही वजह है मेरी आर्थिक तंगाई की है, यही वजह है मेरे व्यापार नौकरी पैसे में मान सम्मान में कमी की है, यही वजह है घर में क्लेश की है, अशांति की है, कहीं पर भी सुख नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करे? शनि देव के पांव पकड़ लो, मेरे से जाने अनजाने जो गलती हुई प्रभु क्षमा करो। तो अब आपको और क्या जानकारी दे कि किस तरह से शनि देव हमारे लिए हितकारी रहते हैं। एक मैं बहुत अच्छी और विशेष बात बताने जा रहा हूं, और वो यह है कि जिस जातक को, जिस व्यक्ति को शनिवार को प्रातः यानी कि सुबह की बेला में सफाई कर्मचारी सफाई करता हुआ दिखाई दे जाए, तो मान कर चलना वह शनिवार आपका बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन महाराज ने एक कृपा आप पर की तो आपकी भी एक ड्यूटी बनती है, आप उसे थोड़े से पैसे दे दो। किसको? सफाई कर्मी को। यदि चाय वाला पास में है चाय पिला दीजिएगा, कोई पोहे वाला नाश्ते वाला है नाश्ता करा दीजिएगा, और संभव हो तो आप अपना कोई कपड़ा दान कर दीजिएगा। दूसरी बात है कि यदि प्रातः शनिवार की प्रातः बेला में प्रातः काल आपको काला कुत्ता दिखाई दे जाए, तो भी वह दिन आपके लिए अति शुभकारी होगा। आपको करना क्या है कि आप उसे रोटी खिला दे। आप उसे रोटी ना हो, आप बाजार में है तो बिस्कुट का पैकेट लेकर खिला दे, फिर देखिएगा चमत्कार। एक और बात बताता हूं, यदि आपको शनिवार के दिन कोई भिखारी, कोई गरीब आदमी प्रातः की बेला में प्रातः काल सुबह के समय आपको दिखाई देता है, आप उसे भोजन कराए, आप उसे कोई दान दक्षिणा दे, परंतु साथ ही साथ एक बात का अवश्य ध्यान रखे, और वह यह है कि आप किसी भी हाल में उसकी निंदा ना करें, आप उसको फटकारे नहीं, उसकी बेइज्जती ना करें। अगर आपने उस भिखारी को दुत्कार दिया तो मान कर चलना कि वो शनिवार आपके जीवन के लिए एक खतरनाक शनिवार हो सकता है, कारण कि शनि महाराज इससे रुष्ट होते हैं। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं
कि जैसा मैंने बताया कि शनि महाराज का रंग काला है और इन्हें काली वस्तुएं पसंद है, जैसे काला तिल, काले जूते, काले कंबल, और इसके साथ ही साथ इनको काले उड़द भी और तेल भी पसंद है। आप इनमें से का मतलब है उड़द है, काले तिल है, काली कंबल है, काले जूते है, काले वस्त्र है, आप इनका दान शनिवार को करें और आप शनि महाराज की के कृपा पात्र बने। यहां मैं कुछ और अच्छी बातें आपको शनि देव न्यायाधीश की बताने जा रहा हूं, और वो यह है कि शनि देव रोग मुक्ति और आयु वृद्धि के दाता है। काय के दाता है? रोग मुक्ति और आयु वृद्धि के दाता है। इनकी दृष्टि में देखिए, ये न्यायाधीश क्यों है? इसलिए क्योंकि इनकी दृष्टि में राजा और रंक सब बराबर है। अगर ये जो कलयुग है जिसे हम नश्वर जो पैदा हुआ है उसका नाश होगा, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, इसलिए इसे नश्वर संसार, नश्वर जगत कहते हैं। अगर इस नश्वर जगत के कोई जागृत देव है तो वो शनि देव है, और अपना शाश्वत परिणाम वो हमें देते हैं। यही कारण है कि हमें इनकी नियमित पूजा आराधना करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे एक चीज का, अगर शनि देव की सीधी दृष्टि, अब सीधी दृष्टि कैसे मालूम पड़ेगी? अगर शनि देव की सीधी दृष्टि आप पर पड़ गई है तो कोई माई का लाल आपके उनके कुप्रभाव से बचाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार शनि देव एक ऐसे देव है, सभी ग्रहों में शनि ग्रह एक ऐसे है कि जो अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल देते हैं। और ध्यान से सुनिए, हम ये कहते हैं कि स्वर्ग है, नरक है, शनि देव कहते हैं भैया रुक जा रुक जा रुक जा, ये स्वर्ग और नरक तो बाद में करते रहना, तुमने ये पाप किया ना इसका फल अभी भुगत कर जा पहले, ये पुण्य किया तो इसकी अच्छाइयां भी अभी ले जाओ। कहने का मतलब शनि देव जागृत देव है, और इस नश्वर युग में, इस नश्वर जगत में वे अपने रिजल्ट्स, अपने परिणाम व्यक्ति को उसके इसी जीवन में देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने शनि देव के बारे में बहुत कुछ जानकारी यहाँ संक्षेप में प्राप्त की होगी। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि शनि देव यदि उनको हमें प्रसन्न रखना है तो हमें बुरे कर्मों से बचना चाहिए, हमें बुराइयों से बचना चाहिए, हमें बुरी संगत से बचना चाहिए, हमें मांस मदिरा जुआ खाना आदि से बचना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं, और जिस पर कृपा हो शनि देव की, इस जगत में कोई ऐसा नहीं है कि उसको दुख दे सके। जय श्री कृष्ण।